अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं जीशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर बेटा हम चैप्टर नंबर टेन स्टडी कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट और आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है पीएच तो चलते हैं बोर्ड की तरफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर की बहुत कम अमाउंट अपने आइन्स में चेंज होती है मगर वाटर सेल्फ आयोनाइजर है ऑटो आयोनाइजर है यानी वाटर को किसी और मीडियम की जरूरत नहीं होती फॉर द आयोनाइजेशन जैसा रिक्वायर है अदर इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम वाटर की आयोनाइजेशन इक्वेजन को देखें वाटर रिवर्सिबली आयोनाइज होता है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में वाटर की आयोनाइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस का अल्टीमेट फेट होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक एक्विल्ब्रियम स्टेट तो जब भी कोई रिवर्सिबल सिस्टम अपनी एक्विल्बरियम स्टेट पर पहुंचता है तो हम उसका लिख सकते हैं के सी एक्सप्रेशन यानी एक्विल्ब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जैसा हमने वाटर का लिखा है के सी इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन ओवर वाटर कंसेंट्रेशन यानी एक्विल्ब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में ऑलवेज प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन न्यूमरेटर में होती है और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डी नोमिनेटर में होती है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डेयर स्टूडेंट्स आपने हमेशा जहन में रखना है कि हर रिवर सिबल रिएक्शन का एक कांस्टेंट केसी वैल्यू होता है जो जस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट है यानी सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करने से किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी वैल्यू चेंज होता है बाकी किसी भी फैक्टर को चेंज करने से रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी वैल्यू चेंज नहीं होता अभी हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे कि वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट इसकी बहुत ही कम अमाउंट अपने आइंस में चेंज होती है और इसकी लार्ज अमाउंट अनडेसोसिएटेड रहती है यानी अन आयोनाइज रहती है तो हम बोलेंगे कि इस लास्ट इक्वेशन में दो कांस्टेंट हैं एक है केसी यानी एक्विल्बरियम कांस्टेंट और दूसरा है वाटर की मोलर कंसेंट्रेशन तो दोनों कॉन्स्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे थ्रू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये दोनों कॉन्स्टेंट मिलकर एक नया कॉन्स्टेंट डेवलप करेंगे जिसे हम कहते हैं के डब्ल्यू यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू एक्चुअली दो कॉन्स्टेंट्स का प्रोडक्ट है एक केसी और दूसरा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वॉटर और के डब्ल्यू की वैल्यू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पे वन पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फोर्टीन होती है इट्स मीन के के डब्ल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे के डब्ल्यू वैल्यू बी चेंज होगी और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे के डब्ल्यू की वैल्यू होती है into 1.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फोर्टीन वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है मीन टू से अगर वाटर प्योर है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन इक्वल होगी इसलिए वाटर को हम कहते हैं कि यह एक न्यूट्रल सब्सटेंस है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन तो जितना प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं इसलिए हम लिख सकते हैं एच प्लस स्केयर और एच प्लस स्केयर की वैल्यू है into 1.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फोर्टीन और नेक्स्ट बोर्ड पे हम फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन सेपरेटली तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे हमने लास्ट बोर्ड पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन का स्केयर लिया था और जिसकी वैल्यू थी 1.0 पॉइंट जीरो टेन रेज टू पावर माइनस फोर्टीन और अगर हम बोथ साइड्स का स्केयर रूट लेते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन डेवेलप हो जाएगी और वो होगी 1.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन और स्टूडेंट्स एक और बात नोट कीजिएगा यहां मैंने कैपिटल एम लिखा है कैपिटल एम मींस मोलर कंसेंट्रेशन यानी मोल पर डीएम क्यूब तो प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होती है वन पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन समाल फिगर में है यानी एक्सपोनेंट नेगेटिव है इसे हमने कन्वर्ट करना है सिंपल पॉजिटिव फिगर में और अगर हम इस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लें ने, तो नेगेटिव लॉग लेने से हमारे पास ये जो स्मॉल फिगर है जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पॉजिटिव फिगर में जिसे लिखना जिसे याद रखना, जिसे याद रखना ज्यादा आसान हो जाएगा जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन डेयर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जब हम समॉल पी लिखते हैं ना स्मॉल पी तो इसका मीन है नेगेटिव लॉग नेगेटिव लॉग रिथम इट्स मीन जब हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा पीएच। पीएच एक डेनिश बायोकेमिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने ये टर्म डेवलप की थी फॉर एक्सप्रेसिंग द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन 1909 की बात है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्योर वाटर में 1.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन है और जब हमने इस कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लिया तो हमारे पास आंसर डवेल्प हुआ सेवन इट्स मीन प्योर वाटर की पीएच सेवन होती है तो स्टूडेंट्स ये बात जे में रखिएगा हमने एक स्मॉल फिगर जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव में था उसको कन्वर्ट किया है एक सिंपल पॉजिटिव फिगर में बाय टेकिंग द नेगेटिव लॉग और यही चीज कहलाती है पीएच इन द सेम वे अगर मैं पीओएच की बात करूं तो ये क्या बनेगा अगेन पी स्मॉल पी स्मॉल स्मॉल पी मीन्स नेगेटिव लॉग नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन प्योर वाटर में 1.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन और अगेन हमारे पास पीओ एच डिवेलप होगी सेवन में सेवन फिगर में इट्स मीन के प्योर वाटर की पीएच सेवन होती है और पीओ एच बी सेवन होती है क्योंकि प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन सेम होती है इक्वल होती है पीएच प्लस पीओ एच तो आंसर डेवलप होगा फोर्टीन यानी पीएच बी सेवन और पीओ एच बी सेवन तो इस टॉपिक को हम फर्दर एलेबोरेट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे डेयर स्टूडेंट्स अभी तक इस टॉपिक में हमने दो बातें सीखी हैं पहली बात के प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन 1.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन होती है और जब हम उस कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो वो बन जाता है पीएच और प्योर वाटर की पीएच होती है सेवन इन द सेम वे प्योर वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन 1.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन होती है और अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन का भी नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो बन जाएगा पीओएच और प्योर वाटर की पीओएच बी सेवन होती है जनरली डिफरेंट सॉल्यूशंस जो लैब में मौजूद होते हैं या डिफरेंट सब्सटेंसेस जो नेचर में होती हैं इनकी पीएच एच रेंज जीरो टू फोर्टीन होती है पीओ एच रेंज भी जीरो टू फोर्टीन होती है हाँ ऐसी कुछ सब्सटेंसेस हमें मिली है नेचर से जिनकी पीएच एच जीरो से कम भी होती है और फोर्टीन से ज्यादा भी होती है लेकिन हम यहां बात करेंगे कि जनरली डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट सॉल्यूशंस की जो पीएच है उसका रेंज फोर्टीन होता है अगर हम जरा फर्दर इलेबोरेट करें इस बात को जीरो टू थ्री अगर पीएच है तो सबस्टांस या सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है और अगर पीएच 4 फोर टू सिक्स है तो स्लाइटली एसिडिक है और अगर पीएच 7 सेवन है तो सबस्टांस या सॉल्यूशन न्यूट्रल है जस्ट लाइक वाटर इन द सेम वे अगर हम बात करें एट टू टेन पी एच तो स्लाइटली बेसिक और अगर हम बात करें थर्टीन टू फोर्टीन तो हाईली बेसिक इट्स मीन अगर आप सेवन से क्लोज आते जाओ सेवन के क्लोज आते जाओ तो सब्स्टांस की एसिडिक नेचर भी कम होती जाएगी बेसिक नेचर भी कम होती जाएगी यू कैन अगेन ऑब्जर्व दिस कि जब हम सेवन से अवे होते हैं सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो तो ए डी बढ़ती है सोल्यूशंस की सबस्टिस की इन द सेम वे जब हम सेवन से फोर्टीन की तरफ मूव करते हैं तो डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्यूशंस की बेसिसिटी बढ़ती है इट्स मीन आप सेवन के क्लोज होते जाओगे एसिडिटी कम होती जाएगी और बेसिसिटी भी कम होती जाएगी और अगर आप सेवन से अवे होते जाओगे तो एसिडिटी भी बढ़ती जाएगी बेसिसिटी भी बढ़ती जाएगी और इसी बात को हम pOH एच पैरामीटर से भी चेक कर सकते हैं 14 से 12 तक सबस्टांसिस हाईली एसिडिक हैं? 10 से 8 तक स्लाइटली एसिडिक हैं? एग्जैक्ट सेवन पे न्यूट्रल हैं? 6 से लेकर 3 तक स्लाइटली बेसिक हैं? और 2 से लेकर 0 तक तो हाईली बेसिक तो आप डिफरेंट सब्सटेंसेस की एसिडिटी या बेसिसिटी दोनों चेक कर सकते हो विद हेल्प ऑफ पीएच स्केल एंड पीओएच स्केल स्के स्टूडेंट्स हमारे पास एक फिगर है आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिलेशनशिप है बिटवीन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पी एच फिर है हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन एंड पीओ एच अगर दो सोल्यूशन में पी एच का डिफ्रेंस है वन तो वो सोल्यूशन जिसकी पी एच वन है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन टेन टाइम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेड सॉल्यूशन जिसकी पीएच टू है इन द सेम वे अगर दो सोल्यूशन में पी एच का डिफरेंस है टू तो वो सोल्यूशन जिसकी पीएच कम है वो हंड्रेड टाइम्स हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा रखता है उस सोल्यूशन से जिसकी पीएच ज्यादा है इट्स मीन पी एच कम होती जाएगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और अगर पीएच ज्यादा होती जाएगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी और यही एक्चुअली मीन है नेगेटिव लॉग का नेगेटिव लॉग रिथम का रेसिप्रोकल यानी उलट और नेक्स्ट बोर्ड पे डेयर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है यूजेस और इस टॉपिक को फिर कंक्लूड भी करेंगे डेयर स्टूडेंट्स अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे हमने अभी तक चार बातें सीखी है पहली बात अगर हमारे पास सब्सटेंस की पीएच सेवन हो या किसी सॉल्यूशन की पीएच सेवन हो तो हम उसे कहेंगे कि ये न्यूट्रल सब्सटेंस है इन द सेम वे हमारे पास किसी सब्सटेंस या सॉल्यूशन की पीएच सेवन से कम हो तो हम उस सोल्यूशन या सब्सटेंस को बोलेंगे कि ये एसिडिक नेचर रखता है इन द सेम वे अगर किसी सब्सटेंस या सोल्यूशन की पीएच एच सेवन से ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस या वो सोल्यूशन बेसिक नेचर रखता है और पीएच और पीओएच को अगर हम ऐड करें किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी सॉल्यूशन की तो आंसर ऑलवेज फोर्टीन डेवेल्प होगा अगर हम बात करें यूजिस हम क्यों पीएच को स्टडी करते हैं हम ये स्केल क्यों यूज करते हैं पहली बात तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है लेक्चर में कि हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन प्योर वाटर में बहुत कम होती हैं और उनका एक्सपोनेंट नेगेटिव में होता है तो हम नेगेटिव लॉगरिथम लेकर उस समाल फिगर को जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल पॉजिटिव फिगर में ताकि उसे लिखना उसे याद रखना और उसे बोलना आसान हो जाए लेकिन अब हमने देखने हैं कि अदर यूजेस लेबोरटरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर क्या है पहली बात तो अब हम जान ही गए हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस की पीएच फाइंड आउट कर लेते हैं तो यह कंक्लूजन ड्रा करना बड़ा इजी हो जाता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर रखता है बेसिक नेचर रखता है या न्यूट्रल है दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मेडिसिन की ड्रग्स की सिंथेसिस में पीएच स्केल हमारी हेल्प करता है इन द सेम वे कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजनाइन यानी वो कल्चर हम उस मीडियम को बोलते हैं जहां हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं उनकी ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पीएच तो पीएच स्केल हमारी इस वे से भी हेल्प करता है अगेन वही बात सॉल्यूशंस फॉर पर्टिकुलर कंसंट्रेशन फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं एक पर्टिकुलर पीएच रेंज के अंदर और पीएच स्केल हमारी हेल्प करता है उस रिएक्शन को करवाने में लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में ओके डे स्टूडेंट्स आपने ये लेक्चर फॉलो किया होगा आपने इस लेक्चर को अगेन टेक्स्ट बुक से भी थॉरली रीड आउट करना है और नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं और ये लिखने से ही तैयार होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज